आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस और डिलीशियस स्मूदीज, जिसका नाम है बकवीट स्मूदी यानी कुट्टू के आटे की स्मूदी और फूल मखाना स्मूदी। बकवीट यानी कुट्टू बहुत ही हाई होता है फाइबर में और प्रोटीन में। ये रिच होते हैं मिनरल्स में, जैसे मैग्नीज, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। इसके जो मिनरल्स होते हैं कुट्टू के आटे में, ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी होती है उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं, हार्ट के लिए और डायबिटीज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पर आए। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बकवीट स्मूदी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये कुट्टू का आटा लिया है, 1/4 कप। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी रोस्टेड मखाना, ये भी मैंने 1/4 कप लिया है। इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। अब मैंने पाउडर हटाया, उसमें मैंने ये राइप बनाना डाला है आधा। इसके बाद मैंने डाला इसमें आधा कप दूध। दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, एक ही बार में पूरा नहीं डाला। इसका अब हम एक थिक शेक बनाएंगे। तो ये देखिए बनाना और मिल्क का एक अच्छे से शेक रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम ये कुट्टू और मखाने का मिक्सचर, जो हमने इसको फाइन पाउडर बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से फिर से ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए हमारी बकवीट स्मूदी यानी कि कुट्टू के आटे की स्मूदी बनके रेडी हो गई। इसमें मैंने ऊपर से डाला 1/2 छोटा चम्मच पीनट बटर। इससे स्मूदी बहुत ही थिक और क्रीमी बनती है और टेस्ट उसका एकदम बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए हमारी फाइनली कुट्टू के आटे की स्मूदी यानी कि बकवीट स्मूदी रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए कितना थिक और क्रीमी टेक्स्चर बनता है इसका पीनट बटर से। अब इसको मैंने ऊपर से गार्निश किया चॉप्ड आलमंड्स यानी कि बादाम के साथ और ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया कुट्टू के आटे से। आप इसको फास्टिंग में या विदाउट फास्टिंग सर्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम फूल मखाना स्मूदी बनाने के लिए। ये बहुत ही थिक और क्रीमी बनती है और ये भी फास्टिंग के लिए भी रेसिपी है और इसको आप नॉर्मल डेज में भी कंज्यूम कर सकते हैं एज ब्रेकफास्ट। फूल मखाना स्मूदी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये मखाना लिया है, बनाना, 1/2 कप दूध, मिक्स सीड्स जैसे पम्पकिन सीड, सिनेमन पाउडर और साथ में मैंने 1/2 छोटा चम्मच पीनट बटर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे फूल मखाना स्मूदी बनाने के लिए। सबसे पहले हम ये मखाना को रोस्ट करा हुआ है हमने, उसका हम ये पाउडर बनाएंगे। अब इस पाउडर को हमने एक छोटे से बोल में डाला। अब ब्लेंडर को खाली करने के बाद इसमें डालेंगे हम 1/2 कप दूध, बनाना, ये मैंने राइप बनाना लिया है, इससे स्मूदी में स्वीटनेस आती है, सिनेमन पाउडर, और साथ ही में पीनट बटर।
और आखिर में हमने डाले ये मिक्स नट्स। आप इसमें कोई भी नट्स डाल सकते हैं। और ऊपर से हमने इसमें डाला मखाने का पाउडर। तो ये देखिए हमारी फूल मखाना स्मूदी रेडी हो गई है। ये बहुत ही थिक, क्रीमी और डिलीशियस बनती है। अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो इसके बाद आपको बिल्कुल भी भूख लगने के चांसेस नहीं है। ये बहुत ही फिलिंग होती है, बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिशियस रेसिपी है। तो आप इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल बटन के, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पर आए।